वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। सऊदी अरेबियन लीग का मैच हो रहा है एलके वर्सेस एडीए के बीच 1 घंटे 18 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की दैन एएलके और एडीए में अगर देखा जाए तो जो टीम स्ट्रॉन्ग है वो है एएलके, एंड दोनों टीम बराबर हैं। मतलब मैं किसी को ये नहीं कहूँगा, देखो स्ट्रॉन्ग की यहाँ बात ही नहीं है। ये ना क्या हो रहा है कि कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ फ्लॉप ज़्यादा हो रही हैं दोनों टीम्स, वो है तो बराबर की टक्कर है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि मतलब आप समझो कि एक ही टीम की एक के साथ ही मैच है, मतलब बराबर के साथ मैच है। तो बात करें गोलकीपर की, देन यहाँ पर है डॉगलेस फ्रेडरिच। पिछले मैच में फ्रेडरिच को कई लोगों ने एचएलएल के खिलाफ आई थिंक ट्राई किया होगा, बाकी मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है कि नहीं। मेरा मानना यह है, क्योंकि मैं मानता हूँ टीम में नाम नहीं आया, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि स्मॉल लीग में आप कन्फर्म जीते होगे, क्योंकि स्मॉल लीग में बंदा यही दिमाग चलाता है, ग्रैंड लीग में अलग अलग दिमाग होते हैं। आगे से अगर बात करें तो यहाँ पर है वन अनदर प्लेयर जो कि है डी बेन लामरी। एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्लेयर है, शुरू में सेकंड डिफेंडिंग में भी काफ़ी रहा था, लेकिन पिछला गेम देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ इसका, क्योंकि इस बंदे ने बहुत ही अच्छा वो किया, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टैकल इंस्क्रिप्शन करा पिछले मैच में, पासिस भी फ्यू ऑफ कंप्लीट करे जो कि डिसेंट था। और आंघा की बात करें देन मार्टिन आंघा को जान पूछ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी चाहूँ तो मैं एएलके का अनदर डिफेंडर ले सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि इनके 3 डिफेंडर लेना ही बहुत बड़ी बात है, तो अगर मैं एक और डिफेंडर लूँ या ना लूँ वो चलेगा, मतलब इतना कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ पर है अब्दुल्ला अल शांकिदी इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, ठीक है। शांकिदी को हम यहाँ पर लेंगे, और शांकिदी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट प्लेयर है और हम ले सकते हैं ऐसे प्लेयर को टीम में। एंड आगे से बात करें जहरानी की, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं क्लीन शीट के लालच में प्लेयर ले रहा हूँ, तो जहरानी को लास्ट मैच में थोड़ा बहुत इंजर्ड हुआ था, तो पता चलेगा कि इसकी जगह कौन आता है, क्योंकि अगर ये ठीक हो गया होगा देन ये खेलेगा, और अगर नहीं खेलेगा तो समझ जाना कि ये अभी तक इंजर्ड है, बस मैं आपको इतना समझा दूँ। और आगे से अगर बात करें देन यहाँ पर है एल सोजा। आपको बता दूँ तो लुकास सोजा अपनी टीम का काफ़ी ज़्यादा मेन प्लेयर है, पिछले मैच में एक भी गोल का ट्राई नहीं किया, इस बात से मैं थोड़ा निराश था, वरना करना चाहिए था, क्योंकि प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, पता नहीं क्या नहीं किया। बट फिर भी मैं आपको बताऊँ, शुरू के मैंने 4 प्लेयर लिया, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता दूँ, तो ये शुरू के 4 ही स्ट्रॉन्ग है। आप ये मत समझना कि मैंने बिना एनालाइज के शुरू के 4 प्लेयर उठा लिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक राय देता हूँ, पिछले मैच में बियोगो पोका आपके काम आया था कि नहीं, मेरे को एक बार बता दो, क्योंकि बियोगो पोको को हमने लिया था कि नहीं, आपको सबको याद है कि हमने इस प्लेयर को लिया था, एंड ये 7 इंस्क्रिप्शंस करके गया था और 1 टैकल, ये सब जानते हैं, और ये कईयों की टीम में नहीं था, मतलब ये हमारी पिछले मैच में जीतने में बहुत मदद करके गया था, तो मैं ऐसे प्लेयर को कैसे छोड़ सकता हूँ। और सी गोंजालेस की बात करें, देखो क्रिस्टोफर गोंजालेस सिर्फ और सिर्फ है नाम का प्लेयर, मैं आपको सच बताऊं तो अगर मैं इसको आज छोड़ के कोई और प्लेयर लेना चाहूँ ना तो मैं ले सकता हूँ, और मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर फवास को ट्राई करूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा एनालाइज करना बाकी है, अभी थोड़ा एनालाइज और करेंगे, क्योंकि बेमतलब अपने मन से बदलाव करना अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। एंड आगे से अगर बात करें तो एडसन फेलिप को लूँगा, एडसन फेलिप इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और एडसन फेलिप को यहाँ पर हम लेंगे। एडसन फेलिप ना थोड़ा अलग टाइप का प्लेयर है, मतलब 2 मैच में नहीं चलता, 1 में चलता है तगड़ा, मतलब उल्टा प्लेयर है, कई बार ऐसा है कई बार बिल्कुल फ्लॉप खेलता है, कई बार बिल्कुल हिट खेलता है, तो ये तो प्लेयर लेना ही बनता है। एंड आगे से बात करें कि क्लैशी की, देन सोकोल की क्लैशी को आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप इसके ओल्ड गेम्स देखे होंगे आपने, अगर आप इसका ऑल पूरा फुल रिकॉर्ड देखोगे हर टीम का जब से इसका करियर फुटबॉल स्टार्ट हुआ है, तो आपको काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड लगेगा, मतलब बुरा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन प्लेयर को हमने लेना है वो बात नहीं है। एंड लिविस की बात करें देन यहाँ पर लेंगे रिनाल्डो लिविस की जगह एक प्लेयर है इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया एल पलेशियस, तो आप लुटेरो पलेशियस को, क्योंकि मैं इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि लैनिस के ज़्यादा गोल्स हैं नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ना इसकी ढंग से असिस्ट है, तो लैनिस को लेना ना लेना डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। और लेविस कुछ खास नहीं है, अगर मैं कहूँ कि लेविस को लेना ऐसा कुछ नहीं, अगर आप अभी भी प्लेशियस के साथ जाना चाहते हैं तो बेधड़क जा सकते हैं। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन है किक्लैशी, वाइस कैप्टन है डी बेन लामरी, तो ये नहीं मेरी टीम मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।